राष्ट्रीय भागीदारी मिशन के जाबाज साथियों, मिशन के जिंदा दिल इंसान और बाबा साहब मिशन के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी साथी इस मैदान में आए हैं, मैं सभी भाइयों और बहनों माताओं को हृदय से प्रणाम करता हूं, उनका वंदन और अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में हम सब की तरफ से, क्योंकि संजय गोस्वामी जी थोड़ा देर से आए, इनको भी हमें देर तक सुनना था, लेकिन चूंकि काफी वक्त हो गया और ये जाम में फंस गए थे, हमारे अजय पत्रकार जी, जो अजय सरोज जी, ये राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार और वरिष्ठ लेखक हैं और वक्ता भी अच्छे हैं, आपको अभी आप सुन रहे थे। मैंने जो वेद प्रकाश मौर्य जी हैं, जो विशिष्ट अतिथि हैं, मैं इन सब की तरफ से, भाई विचित्र चौधरी जी साहब की तरफ से, सबकी तरफ से, मैंने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब और एशिया के पूज्य महात्मा बुद्ध जी, सबकी तरफ से मैंने सबसे पहले इनके चरणों में वंदन किया। और आज मैं अपनी बात कहने से पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये रायबरेली की धरती है और इस रायबरेली की धरती से राष्ट्रीय भागीदारी मिशन की गूंज आज पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई पड़ रही है। मुझे नहीं मालूम था कि फतेहपुर से माननीय अतुल पासवान जी आ जाएंगे, अमेठी से लीलावती जी आएंगे, प्रतापगढ़ से हमारे हरिश्चंद्र जी आएंगे, ये जो तमाम साथी यहां पर आए हैं उससे मेरा हौसला बढ़ा है। और ये विशेष करके मैं रायबरेली जनपद की जो यूनिट है, जो यशपाल जिला अध्यक्ष है, उनके पूरी टीम को मैं बधाई दूंगा। ये उनकी मेहनत है कि 6 महीने के अंदर उन्होंने राष्ट्रीय भागीदारी मिशन को रायबरेली जनपद के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया। मैं आपको तहे दिल से बधाई देता हूं। दूसरी बात, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय भागीदारी मिशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि भागीदारी की ही लड़ाई पूरे देश में अब तक चली है। हमारा मानना है कि इस देश में अगर कोई लड़ाई है तो सिर्फ भागीदारी की है, दूसरी कोई लड़ाई नहीं है। ज्योतिबा राव फुले जी जो शिक्षा के जनक है, उन्होंने इस देश में सबसे पहले शिक्षा में भागीदारी मांगी। इस देश में दबे कुचले झुग्गी झोपड़ी वालों को शिक्षा नहीं मिलती थी, वो पढ़ नहीं सकते थे, उनके लिए विद्यालय नहीं था। और माता सावित्री जी ने सबसे पहले दलितों के लिए अपने विद्यालय को शिक्षा के रूप में बंद करके विद्यालय बनाने का काम किया। यानी शिक्षा में अगर सबसे पहले भागीदारी दिलाने का काम किया तो माता सावित्री बाई फूले ने किया, उसको आपको नमन करने की जरूरत है कि इस देश में सबसे पहले, यानी 1827 से पहले इस देश में शिक्षा में सबको भागीदारी नहीं थी, तो यह देश कैसे चल रहा था, यह अपने आप में एक सवाल उठता है। इस देश में राजनीति में भागीदारी मिले, इसके लिए परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने संघर्ष किया और साइमन कमीशन के सामने कहा कि भाई हमारा क्या होगा, जो वंचित लोग हैं, डिप्रेस्ड लोग हैं, तो वो लोग बोले ये कौन लोग हैं, बोले ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। तो साइमन के सामने ये आवाज आई कि भाई ये है कौन लोग, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त कहा था कि भाई हम तो अनटचेबल लोग हैं, हमको कैसे अधिकार मिलेगा, यानी वोट देने का अधिकार, वोट डालने के अधिकार से लेकर राजनीति में भागीदारी दिलाने का काम, अंग्रेजों से लड़कर अगर भागीदारी दिलाने का काम किसी ने किया तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, दूसरे किसी ने नहीं दिया। ये बातें आज की नहीं है, आजादी के पहले की बात है। ये वोट देने का अधिकार, राजनीति में हिस्सेदारी, और जो पूरा पैक्ट हुआ और पूरा पैक्ट के कारण आज सुशील पासी जैसे लोग विधानसभा और लोकसभा पहुंचने में मजबूर है। ऐसा नहीं कि सुशील पासी जैसे हजारों लोग पढ़े लिखे हैं वो लोकसभा में अपनी बात कह सकते हैं, विधानसभा में अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को पता था कि जो योग्य होंगे वो विधानसभा और लोकसभा में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जो चाटुकार होंगे वो विधानसभा लोकसभा में पहुंच जाएंगे।
इसीलिए वो पूना पैक्ट नहीं चाहते थे। और पूना पैक्ट का शिकार अगर सबसे पहले कोई हुआ तो परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर हो गए। 1950 में भारतीय संविधान लागू होता है और 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। इसके पहले पहला आम चुनाव नहीं हुआ। यानी सन 1950 में भारतीय संविधान लागू होता है और सन 1952 में पहला आम चुनाव हुआ तो हमारे देशभक्तों और इस देश के चलाने वाले लोगों ने उस परम मसीहा परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर को हराने का काम कर दिया। यानी उस पूरा तंत्र के शिकार अगर कोई हुआ तो परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर हुए। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर 1952 में लोकसभा नहीं पहुंच पाए और सन 54 में भंडारा एक सीट थी मेरे मित्रों उपचुनाव हुआ। तो देश के लोगों ने कहा कि परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर को लोकसभा में जरूर पहुंचना चाहिए। तो इन परिवारों ने परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर को 1954 में भी हरा दिया और 56 में हमारे बीच से बाबा साहब अंबेडकर मेरे मित्र इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यानी राजनीतिक भागीदारी देना नहीं चाहते, इतने विद्वान पुरुष को नहीं दिया। तो सुशील पासी तो बहुत उनके पैर के चरणों की धूल है भाई है? जब ऐसे महापुरुष को नहीं दिया तो सुशील पासी अगर अपने लिए लड़ेगा, अपने परिवार के लिए लड़ेगा और यदि उसकी चौकीदारी करेगा या चमचागिरी करेगा तो उसके लिए तो दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन अगर वो समाज के लिए लड़ेगा, स्वाभिमान के लिए लड़ेगा, समाज के लिए लड़ेगा और भागीदारी के लिए लड़ेगा तो लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। उनको लगता है कि सुशील पासी नहीं होना चाहिए। ये मेरे मित्रों आज भी 54 साल के बाद 70 साल के बाद तो हम ये राजनीतिक भागीदारी के लिए लड़ रहे हैं। हम राजनीतिक भागीदारी के लिए लड़ रहे हैं इस देश के कैसे लोग, क्योंकि आज राजनीतिक शून्य हो गया मेरे मित्रों। आज राजनीतिक शून्यता हो गई। आज 543 सांसद हैं और 157वां संशोधन बिल प्रमोशन में आरक्षण का जो बिल है, महिलाओं को आबादी के अनुपात में भागीदारी दिलाने का जो संकल्प है, आज 543 सांसद हैं मेरे मित्रों। अगर सारे के सारे सांसद लोकसभा में जाकर घेर ले मेरे मित्रों तो पारित हो या ना हो कम से कम बहस तो हो सकती है। लेकिन आज बहस भी नहीं हो रही है। जानते हो क्यों? इसलिए 157वां संशोधन बिल जो प्रमोशन में आरक्षण देने का मामला है ये क्यों नहीं बिल पारित हो पड़ा है? क्योंकि मेरे मित्रों अब राजनीति में इस देश में आंदोलन खत्म हो चुका है। और आंदोलन किस बात का है कि हम विधायक कैसे बने, हम सांसद कैसे बने, हमारी सरकार कैसे बने, हम कैसे इस देश को लूटे, हम कैसे लूट के विदेश में चले जाए। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा और संविधान में इस बात का उल्लेख किया कि इस देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा, अवसर की समता होगी, बंधुत्व की भावना होगी। क्या उस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इस देश में लागू किया जा रहा है? नहीं लागू किया जा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय भागीदारी मिशन के लोगों ने कहा दया नहीं अधिकार चाहिए, दया नहीं अधिकार चाहिए, भारत को संविधान का राज चाहिए। ये भारतीय संविधान के राज चाहिए मेरे मित्रों। ये क्यों कह रहा हूं? इस देश में भागीदारी भारत के संविधान में पहले से है मेरे मित्रों। भारत का संविधान इतना सुंदर है कि कोई जाति, कोई धर्म, कोई लिंग, कोई भाषा, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें सबको भागीदारी नहीं मिल सकती। सबके सम्मान की बात कही गई है और यही कारण है कि इस देश के चलाने वाले लोग उस भारतीय संविधान की बात नहीं करते। कोई कहता हमारी पार्टी की सरकार आ जाए, कोई कहता इस पार्टी की सरकार आ जाए, यानी पार्टियों की सरकार तो चाहते हैं लेकिन देश के भारतीय संविधान की सरकार नहीं चाहते। जिससे कि भारतीय संविधान की सरकार चले तो देश के हर नागरिक को बराबरी का हक मिल जाए, ये लोग नहीं चाहते। मेरे मित्रों, मेरे कहने का मतलब है सरकार बनाते हैं आप, आज इनकी सरकार कल उनकी सरकार, 70 साल तक सरकार किसने बनाई? जिसकी सरकार बन जाती है उस पार्टी का कोष बढ़ जाता है, पार्टी का फंड बढ़ जाता है,
आज जिनकी सरकार है आप 5 साल बाद आप पता लगा देना कि इनकी पार्टी में फंड कितना हो गया। मैं चैलेंज के साथ तेरा, आज जिनकी सरकार है उसके पहले 4 साल पहले आप पता लगाओगे उनकी पार्टी का फंड अगर जितना रहा होगा और अगर उसका 1000 गुना ना बढ़ गया हो तो बताना। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं जिसकी सरकार बनती है उसकी पार्टी का फंड बढ़ जाता है या फिर उसके नेता मजबूत हो जाते हैं है? जो उस पार्टी के नेता होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं या तो फिर कुछ चालाक लोग होते हैं, वही सपाई वही भाजपाई वही बसपाई वही कांग्रेसी है? कोई बदलाव नहीं है, हर जिले में वही नेता वही सपाई बन जाते हैं, वही बसपाई वही भाजपाई वही कांग्रेसी और हम पाई पाई चिल्लाते रहते हैं और वही के वही खड़े रह जाते हैं। तो हम इस देश में भारतीय संविधान की राज चाहते हैं मेरे मित्रों, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, हम किसी दल के विरोधी नहीं है, लेकिन हम उस व्यक्ति के विरोधी हैं, हम उस संस्था के विरोधी हैं जो इस देश में भागीदारी का विरोध करेगा। और इसीलिए हमने नारा दिया कि जो भागीदारी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो भागीदारी की बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। इसीलिए हमने कहा ड्रामा नहीं इंसाफ चाहिए, ड्रामा नहीं इंसाफ चाहिए, अवसर एक समान चाहिए। इस नारे का मतलब यह है कि जो प्रस्तावना में अवसर की समता है इसके लिए हम चाहते हैं कि देश में अवसर एक समान मिल जाए। जैसा हमारे साथियों ने कहा शिक्षा एक अवसर होना चाहिए जो सभी के लिए हो। अगर परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को निशुल्क शिक्षा दिया तो थी हिम्मत तो कहते कि बाबा साहब ने तो केवल 6 से 14 वर्ष के लिए दिया, लेकिन हमारी जब सरकार बनेगी तो इस देश का कोई भी बच्चा होगा और कितना भी पढ़ना पड़ेगा और कितना भी पढ़ना चाहेगा और किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ेगा उसको इस देश के वह किसी भी शिक्षा में कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। ये फॉर्मूला कर लेकिन ड्रामा करते हैं। और ड्रामा क्या है मेरे मित्रों, कहते हैं कि हम इस देश में दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहला ड्रामा किया कि दलितों को अगर आगे बढ़ाना है तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 46 में कहा गया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य निर्बल वर्ग के लोगों को शिक्षा में और अर्थ में विशेष रूप से अभिवृद्धि की जाएगी। ये परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा है। मेरे मित्रों इन लोगों ने क्या किया, ड्रामा किया, गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं बढ़ रही है। किसकी बढ़ रही है, 1% लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश की सर्वे की रिपोर्ट आई कि 70 सालों में जो देश की संपत्ति है 73% संपत्ति और संपदा वो केवल 1% लोगों के हाथ में चली गई है। तो बाकी जो 99% के लोग हैं वो केवल 23% 27% संपत्ति और संपदा के लिए लड़ रहे हैं। अब जरा गांव की महिलाएं बैठी हैं, मैं इनसे मुखातिब होते कहना चाहता हूं 100 रोटियां हैं और 100 लोगों ने बांटनी है तो अगर एक एक रोटी सबको बांट दी जाए तो कोई भूखा नहीं रहेगा। अगर 100 रोटी है और 100 लोगों को खानी है तो एक एक रोटी अगर सबको मिले तो इस देश में कोई भूखा नंगा नहीं रहेगा। लेकिन देश में उल्टा हो गया मेरे मित्रों कि जब 100 रोटियां आती है तो कोई 20 अकेले खा रहा है, कोई 30 अकेले खा रहा है, कोई 40 अकेले खा रहा है, तो कोई ना कोई तो इस देश में भूखा नंगा नहीं जाएगा। और इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि कोई शक्तिशाली दबंग जो है वो गरीब आदमी की रोटी छीनने ना पाए। राम भरोसे राम दीन गिरऊ घसीटे जैतू मगरू, जिनके चेहरे में झुर्रियां हैं, जिनके तन में कपड़ा नहीं है, जिनके पैरों में जूते चप्पल नहीं है, जो आस लगाए जिंदगी भर सपना देखते हैं मेरे मित्रों, उनकी रोटी दबंग खा लेता है और उनके हिस्से की रोटी रुकी रहे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि
ऐसे लोगों को 21% जो है अलग कर दी जाएगी। एक से एक विद्वान आदमी कहता है आर्थिक आधार पर क्यों नहीं हुआ, ये विद्वान लोग कहते हैं। और मैं भी एक डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर हूं तो मैं भी उसका जवाब दे रहा हूं कि आर्थिक आधार पर बाबा साहब ने क्यों नहीं किया था उस वक्त। अब मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, 21 रोटियां अनुसूचित जातियों के लिए है, 27 रोटियां पिछड़ी जाति के लोगों के लिए है, और अगर ये रोटियां अलग न रखी जाए जो दबंग होगा जो ताकतवर होगा वो उन रोटियों पर कब्जा कर लेगा कि नहीं कर लेगा? हाथ उठाकर बताइए कब्जा करेगा कि नहीं करेगा? कर लेगा ना? तो मेरे मित्रों अब ये रोटियां केवल अनुसूचित जाति को ही देनी है तो इसमें बेईमानी नहीं हो सकती। क्यों? जाति के आधार पर बदलाव नहीं हो सकता। जो चमड़ है वो चमड़ ही रहेगा, जो पासी है वो पासी रहेगा, जो कोरी है कोठी का है धोबी है भड़कर है उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन आर्थिक आधार घटता और बढ़ता है। किसी को भी कर्म से आप अमीर बना दीजिए और किसी को भी आप गरीब बना दीजिए, जिसको चाहिए उसको बना दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो रिपोर्ट लगाता हो और उसको खाली दे दीजिए और पैसे का रुपया दिखा दीजिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर कहीं ये ऐसा हो जाए तो जब चाहे जिसको गरीब बना दीजिए और जब चाहे जिसको अमीर बना दीजिए। लेकिन दुनिया में किसी के ताकत नहीं है कि किसी अनुसूचित जात को किसी दूसरी जात में बदल सके, इसलिए वो रोटियां सुरक्षित है और सुरक्षित रहनी चाहिए। ये मेरे मित्रों और आपकी भागीदारी से कहना चाहता हूं, ये रोटियां दूसरा नहीं ले सकता। बाबा साहब अंबेडकर बहुत विद्वान आदमी थे, ये दुनिया के 6 विद्वानों में से एक थे कि जो पिछड़े हैं वो पिछड़ों की रोटी देंगे, जो दलित हैं वो दलितों की रोटी देंगे। ये मेरे मित्रों मेरे कहने का मतलब ये है कि इस देश में 20% किसान है। मैं भागीदारी हर कास्ट के लोगों को चाहता हूं, अगले पिछड़े दलित मुसलमान सबको चाहता हूं, लेकिन 20% किसान है आप इनको आर्थिक आधार पर दीजिए। राष्ट्रीय भागीदारी मिशन इसका समर्थन करता है। हम किसानों को जाति के आधार पर नहीं चाहते, हम आर्थिक आधार पर चाहते हैं। जो लघु सीमांत के किसान हैं, जो कोई भी किसान है आर्थिक आधार पर 20% आरक्षण और 20% भागीदारी किसानों को इस देश में दी जाए मेरे मित्रों, और ताकि किसान कभी भी बेटा इस देश में आगे बढ़ने का काम करे। इसके बाद भी भागीदारी बचती है मेरे मित्रों, इसके बाद भी भागीदारी बचती है, बाकी हिस्सा जिसको चाहो उसको दे दो। और 50% भागीदारी महिलाओं को दे दो। इस देश में आबादी महिलाओं की 50% है तो 100 में 50% महिलाओं का हिस्सा होता है, वो किसी भी जात की महिला। मेरे मित्रों इस देश में जब तक ये भागीदारी की बात नहीं होगी देश आगे नहीं बढ़ सकता। और लोग भागीदारी की बात नहीं करते, लोग ड्रामा की बात करते। ड्रामा कैसा? कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन। एक हीरोइन है, मैं नाम नहीं लूंगा, ये मंच है, सांसद भी है, सीता गीता और तमाम शोले जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, वो झाड़ू लेके खड़ी होती है और ऐसी जगह खड़ी होती है जहां सब कुछ साफ रहता है और एक झाड़ू के साथ 20 लोग आप खड़े होते हैं और नई झाड़ू और आती है, पुरानी वो भी नहीं, नई झाड़ू आती है, और 20 झाड़ू लोग खड़े होते हैं और जहां साफ रहता है वही खड़े होते हैं। पत्रकार महोदय फोटो खींचते हैं, अखबार में छपती है और कहते हैं देखो इस हीरोइन ने पूरा स्वच्छ भारत मिशन कर दिया। क्या ड्रामा चल रहा है कोई राजनेता जो नदी नालों को साफ कर सकता है? अरे उनके घरों में हमारी बहुएं क्या झाड़ू लगाती है, उनके घरों में पोछा झाड़ू का काम कोई और नहीं करता, हमारे आपके घर की बेटी करती है। मेरे मित्र ये ड्रामा बंद होना चाहिए। 8,000-12,000 में शौचालय नहीं मिलता, विश्व बैंक से स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर अरबों रुपया लिया गया और गरीब आदमियों को 8,000-12,000 जिसमें पीड़ा ही था तो भी था, उस शौचालय बन नहीं सकता, उसमें न पानी की टंकी है न टोटी है न गड्ढा है न सीवर है।
कुछ तो बेईमान कहते हैं कि जहां रोटी तुम्हारी बनती वही बना, फोटो खाली खींच जाए, ये 12,000 किसी तरह से निकल जाए, बस केवल इतने में स्वच्छ भारत मिशन पूरा हो जाएगा। तो हमारे गरीब लोग उसमें जो है कंधा रखते, कंधा। मैं गांव में रहता हूं ना, मैं गांव में घूमता, अगर है हिम्मत तो गांव में सुलभ कॉम्प्लेक्स 4 बनवाते, पानी की टंकी लगवाते, हर महीने हमारे सुलभ कॉम्प्लेक्स में जाती, जैसे शहरों में सुलभ कॉम्प्लेक्स होता, तो गांव में सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाते, तो हम कहते स्वच्छ भारत मिशन देने में, तब हम कहते स्वच्छ भारत। लेकिन ड्रामा चल रहा है इस देश में, एक ड्रामा और चला, फ्री देने का, फ्री देते, फ्री है? गैस सिलेंडर फ्री बन गया, हमारी माताएं बहनें खूब ली हैं, है? गैस सिलेंडर बोले हम फ्री कनेक्शन दे रहे हैं, जिसने फ्री लिया उसके गैस सिलेंडर की जो कीमत है वो 920 रुपए है, जिसको फ्री दिया गया उसका 920 रुपया, और जिसको फ्री नहीं मिला उसको 400 रुपए सब्सिडी उसके खाते में जाते, तो उसके जो पैसा है वो कनेक्शन का पैसा उसकी गैस में जोड़ के दे रहा है। और आज तक हमारी माताएं बहनें दोबारा उस गैस सिलेंडर को भरा नहीं पाई, मेरे मित्रों गलत कह रहा हूं, उनके घरों में 5,000 रुपया नहीं आता, उनके घरों में 10,000 रुपया नहीं आता। ये बेईमान कहते हैं 920 रुपए की गैस हमारी बेचवाओ, है? ये फ्री गैस कनेक्शन नहीं है, ये अंबानी की गैस बेचने की योजना है और हमारे आपके लोगों को गरीब बनाने की योजना है। फिर कहते हैं सौभाग्य योजना, सारा नाम कितना गजब का ढूंढते हैं, सौभाग्य योजना, फ्री कनेक्शन दे रहे हैं आपको बिजली का। मेरे मित्रों सुशील पासी कहता है ये फ्री योजना नहीं है, ये तुम्हारे जो बिजली के कनेक्शन का पैसा है वो तुम्हारे बिजली के बिल में जोड़ के तुम्हारी आंख से ले लेंगे मेरे मित्रों, ये तुमको फ्री देने वाले नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर दया दिखाना चाहते हो तो कह दे कि भाई गरीब आदमियों को हम अगर सब कुछ 800 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं तो गरीब आदमी को भरा हुआ हर महीना हम 100 रुपए का भरा हुआ सिलेंडर देंगे तो हम जोरदार ताली बजाती हैं। लेकिन छुच्छा है गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर वो भी छुच्छा, और अगर कह सकते हो है हिम्मत तो कहो पूरे देश में कि दूसरे को हम 7 रुपए यूनिट की बिजली देंगे लेकिन गरीब किसान के बेटे को हम 1 रुपए यूनिट की बिजली देंगे, हम भी ताली बजाते हैं। है हिम्मत तो देख देखो, लेकिन नहीं मेरे मित्रों, ये गांव के लोग बैठे हो जानते होंगे, जब तालाब में किसी को मछली पकड़नी होती है ना तो क्या करता है वो, जिंदा केचुआ लगाता है, है? अगर मछली पकड़नी है उसको तो जिंदा केचुआ लगाता है और जिंदा केचुआ लगा करके मछली को जाल में फांस देता है। इस देश के नेताओं ने 70 साल तक दबे कुचले लोगों को भारत के संविधान का राज नहीं दिया, इनको गरीब बनाया गया, और अगर इस देश में दलितों और पिछड़ों की अगर कहीं भागीदारी से ये आगे बढ़े हैं तो केवल अनुच्छेद 15 के कारण बढ़े, अनुच्छेद 16 के कारण बढ़े, अनुच्छेद 330 के कारण बढ़े, अनुच्छेद 332 के कारण बढ़े। यही कहने का मतलब है जिनको नौकरी मिल गई, हमने बुलाया तो बहुत सारे कर्मचारियों के हैं, हो सकता आए हो, उनको उस आरक्षण के कारण भागीदारी के कारण उनको नौकरी मिल गई, कोई लेखपाल, कोई मास्टर, कोई मुंशी, कोई सिपाही, कोई दरोगा, कोई अध्यापक, वो मांगते हैं क्या कानून, वो क्या मांग रहे हैं, हमारी पेंशन करो, हमको भागीदारी दो, हमको प्रमोशन दो, वो मांगते क्या शौचालय, क्योंकि जानते हैं कि इस देश में हमको अच्छा खाना अच्छा भोजन कैसे मिलेगा। मेरे मित्रों मेरे कहने का मतलब है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों को नौकरियों में भागीदारी दी, आज वो आगे बढ़ गए, और जो लोग राजनीति में भागीदारी पाए, हम तो नहीं जीते लेकिन बहुत लोग विधायक बन गए, पूरे देश में ले जाने कितने विधायक बने होंगे,
न जाने कितने सांसद बने होंगे। अरे चवालपासी भी अगर विधायक बना है तो अभी आज भी वो फॉर्चुनर से चल रहा है। किसका दिन है? ये भारतीय संविधान की भागीदारी की देन है मेरे मित्रों, नहीं उनकी आंखों में चीपा कभी साफ नहीं होता था मेरे मित्रों। ये बाबा साहब अम्बेडकर की कहा राजनीति में भागीदारी के कारण। तो मेरे मित्रों जिनको नौकरी मिल गई उनको भागीदारी मिल गई, जिनको राजनीति में मौका मिला उनको भागीदारी मिल गई, लेकिन जिन नौजवानों को भागीदारी नहीं मिली है क्या उनको ठेकेदार बनने का मौका है? मेरे मित्रों नहीं है, आज वो ठेकेदार नहीं बन सकते। हम चाहते हैं कि देश में हर जिले में अगर 100 ठेकेदार हैं तो 100 ठेकेदारों में से 21 ठेकेदार अनुसूचित जाति के बने और 27 जो ठेकेदार हैं वो पिछली जाति के बने। मित्र तो हमारा भी बेटा जो दिल्ली में जाकर रिक्शा चलाता है, हाई स्कूल फेल, यहां भी ठेकेदार होते हैं। आप पता लगा लो रायबरेली में जितने भी ठेकेदार होंगे, हम तो नेताओं को भी तमाम जानते हैं, वो सब इंटर ठेकेदार। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं इंटर फेल, कोई डबल फेल, कोई ट्रिपल फेल। अब फॉर्चुनर से चल रहे तो ये बेचारे ये जो ठेकेदारी नहीं पाए इनको खाली मेटे बनाओ, छौली ये उठावे, कुदाली ये उठावे, सड़क ये बनावे, गिट्टी ये कूटे, गरम गरम तारकोल ये डाले और मुंशीगिरी और चौकीदारी और मेटगिरी ये करें और ये इस देश के ठेकेदार नहीं बन पाएंगे। ये मेरे मित्रों नहीं होने पाएगा, हम ठेकेदार बना के रहेंगे। ये मेरे मित्रों मैं आपसे सलाह करता हूं और मैं हवा में बात नहीं करता। मेरे मित्र मैं अध्यापक आदमी हर चीज पर मंथन करता हूं। अभी डीएम साहब रायबरेली के डीएम साहब हैं और मेरी बात को नोट कर लेना, अभी लाइसेंस बटेगा तो लाइसेंस 100 लाइसेंस मान लो डीएम साहब बांटे तो जो हमको मारता है, जो गांव में हमारे साथ गुंडाई करता है वही राइफल के लाइसेंस मांग रहा है, वही लाइसेंस मांग रहा है कि बंदूक का लाइसेंस दे दो, रिवॉल्वर का लाइसेंस दे दो। हम सरकार से मांग करते हैं और विशेष करके रायबरेली के जिला अधिकारी को, अगर एलआई बैठा हो तो मेरी आवाज को सुन ले, वरना मैं जिले में बहुत बड़ा प्रदर्शन इस मुद्दे में करूंगा। अगर 100 लाइसेंस बांटना तो 21 लाइसेंस बिना कहे बिना किसी सिफारिश के अनुसूचित जात के बेटी बेटा को दे देना और 27 लाइसेंस जो है वो पिछड़ी जात के बेटी बेटा को दे देना। मेरे मित्रों मेरे कहने का मतलब है हमने एक सर्वे किया है कि देश में संविधान का विरोध ही नहीं हो रहा, उसका दुरुपयोग हो रहा है। 151 की धारा है जहां मुंशी और दरोगा दो हमारे भाई लड़ते हैं तो उनको चालान कर देते हैं। आप पता लगा करके देख लो यह धारा का उपयोग केवल केवल अगर किसी के लिए होता है तो गरीब राम भरोसे राम जिन घेर रहा हूं घसीटे, अगर किसी बात पे भी लगा किए बंद करो सर, अगर पैसा नहीं दे रहा है तो क्यों किसको चालान करो। सर्वे करा लीजिए कितने 151 में गए। मेरे मित्रों मेरे कहने का मतलब है हम न्यायपालिका में बराबरी का अधिकार चाहते हैं। अभी सरकारी वकील बने, सरकारी वकील पूरे प्रदेश में बनाए गए हाई हिम्मत सरकार में, तो जितने भी वकील सरकारी बने हैं आपने कोई परीक्षा नहीं कराई, आपने कोई योग्यता नहीं देखी। मेरे मित्रों आपने सिफारिश के बल बूते बना दिया। अगर तुमने जितने भी सरकारी वकील बनाए थे उसमें 21% हमारे नौजवान जो सरकारी वकील थे, जो हमारे अधिवक्ता हैं, उनको सरकारी वकील बनाना चाहिए। मेरे मित्रों ये लड़ाई मैं इसलिए लड़ रहा हूं, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लगा। हमने अपनी जिंदगी और जवानी पढ़ाई लिखाई नौकरी सब कुछ दांव पर लगाकर हमने 20 साल पहले एक सपना देखा और नौकरी छोड़ करके सपना देखा कि देश के दबे कुचले झुग्गी झोपड़ी के लोगों को उनका हक और हकूक मिलना चाहिए। कुछ लोग मेरे मित्रों उसी पार्टी की सरकार पहले बनवाते हैं, आज ये जो सरकार बनी है ये सरकार नहीं बन पाती, पहले वहां चमचागिरी करते हैं और चमचागिरी करके फिर आगे बढ़ जाते हैं
और फिर विपक्ष की भी भूमिका अदा करती है। जो सत्ता पक्ष में है वही विपक्ष बनना चाहता है, तो आंदोलन खत्म हो जाता है, आंदोलन समाज से निकलता है। मेरे मित्रों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया, उसके बाद मानवर काशीराम साहब ने आंदोलन चलाया। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश में भागीदारी का भी आंदोलन होना चाहिए, इस देश की भागीदारी की बात होनी चाहिए। यह भारतीय संविधान में है मेरे मित्रों, यही बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, यही ज्योतिबा फूले चाहते थे, यही साइमन चाहते थे, और इसी बात का झगड़ा गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में था, और इसीलिए पूना पैक्ट का समझौता हुआ। ये भागीदारी की बात तब से चल रही है, हम चाहते हैं हम रहे या न रहे, लेकिन ये भागीदारी की बात आगे चलती रहनी चाहिए, यही कारवा है मेरे मित्रों, और इस कारवा को आपको आगे लेकर चलना चाहिए। मेरे मित्रों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, अमेरिका में 1955 में एक घटना घटी, 1955 में अमेरिका में एक घटना घटती है। जानते हैं कि अमेरिका में 78% श्वेत लोग रहते हैं, श्वेत लोग रहते हैं, और 12% काले लोग रहते हैं जिनको अश्वेत कहते हैं, 13% के लोग हिस्पेनिया रहते हैं, 3% के लोग एशियन रहते हैं। ये अमेरिका की आबादी है मित्रों, वहां 12% के लोग केवल काले लोग हैं जिनको अश्वेत कहा जाता है। जैसा उत्पीड़न आपके साथ है वैसे उत्पीड़न काले लोगों के साथ होता है, वो किसी पथ की यात्रा नहीं कर सकते, उनके पास कोई अधिकार नहीं था। अगर कोई काला व्यक्ति सफर कर रहा है और गोरा व्यक्ति हरा गया, तो गोरे व्यक्ति के पास आते ही काले व्यक्ति को नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।